को कभी पार करने का प्रयास किया आपने? नहीं किया और करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि पानी का कोई विश्वास नहीं, कभी भी जल स्तर इसका बढ़ सकता है घट सकता है, तो इसका कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। आपको पता है कांवलिया गांव में एक युवक की मौत हो गई थी इससे? हाँ सुना तो। हाँ कम से कम गोडगोडानी नदी बह रही है। लास्ट कद नदी देखी होगी आप? लास्ट अपन ने देखी कौन सा लोक एरिया 1999 में, 1999 में अपन ने भी हाल समझ नहीं है बुढ़िया लोक एरिया है। हाँ कल हमारे ये गांव के पास में पालिया उसका वो डैम फूट गया था, तो हमारे इधर नदी बहुत तेज हो गई थी आधे घंटे के अंदर अंदर। हाँ आधे घंटे के अंदर आदमी आराम से 5-7 आदमी नदी पार नहीं कर सके, इतनी तेज हो गई नदी। अगर उस समय कोई नदी में हो तो बह सकता था, आराम से बह सकता है, बाइक तो पार होती है। एक नांदना वाले बस बस नांदना के आ रहे थे बाइक लेके फैक्ट्री जाने वाले, वो बह गए थे, उनको 10 आदमी मिलके निकाले थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने यूट्यूब चैनल आपनो जैतारण में। मैं शक्ति सिंह राजपुरोहित आप सभी के सामने हाजिर हुआ हूँ आपनो जैतारण की इस वीडियो में। हम आए हैं टुंकड़ा गाँव की नदी में, इसे लीलड़ी नदी कहा जाता है, और ग्रामीणों से जानने का प्रयास करेंगे इस नदी के बारे में। तो नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, क्या नाम है आपरो? मारा नाम महेंद्र है साहब। हाँ नदी आयान कितना दिन रहेगा? नदी आयान ने आज 18 दिन रहेगा, लगातार नदी आ रही है साहब। नदी 1999 में नदी आई थी वापस, अभी 17-18 दिन हुआ। ये नदी का चमत्कार अभी रेलड़ नदी का चमत्कार देखा है, नदी फुल है। कितनी तेज रफ्तार नदी, मतलब कहाँ से साल रहेगा? ये रफ्तार तेज में है, कम से कम गोडगोडानी नदी बह रही है। हाँ लास्ट कद नदी देखी होगी आप? लास्ट अपन ने देखी कौन सा लोक एरिया 1999 में, 1999 में अपन ने भी हाल समझ नहीं है बुढ़िया लोक एरिया है। उसके बाद आज अपन ने तो अभी देखी है 15-16-17 दिन हुआ। इतनी भयंकर नहीं आई है ना, बाकी नदी तो नहीं आई साहब। आप का नाम है? थोड़ी तो आप मेरे साथ है भागीरथ सिंह जी राजपूत, और इनसे जानने का प्रयास करेंगे नदी के बारे में। भाई साहब आपको पता है इस नदी का क्या नाम? हाँ मुझे पता है, इस नदी का लीलड़ी नदी नाम है, और ये हमारे साल में हमारे गांव में ये 35 साल से आई है नदी। इतनी भयंकर 7-8 साल पहले आई थी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी। अभी 35 साल से ये नदी बहुत ही भयानक रूप देखने को मिला हमें, तो पानी तो हमारे गाँव में फुल हो जाएगा इस नदी की वजह से, लेकिन हमें परेशानी भी बहुत आई है, जो इधर से उधर हम बाहर गांव नहीं जा पा रहे हैं, और कोई मजदूर आ रहे हैं फैक्ट्री में काम करने, उनको छुट्टी लेनी पड़ी है 7-8 दिन की, और काफ़ी लोग बह भी गए हैं इस नदी में। बात करा खेती री तो साइड में अपन खेत है, तो खेतर का ही हाल है नदी में जो खेत है? खेती का तो देखो आप, ये पूरे जो ये गेट लगा रखे थे और ये तार बंदी पूरी बिखर गई है, टूट गई है। तो बात करें पानी का स्तर इस साल कैसा था, मतलब अगर बारिश नहीं या नदी नहीं आती तो क्या होता? नदी नहीं आती तो हमारे जो सर्दी की फसल होती है वो हम नहीं बो पाते, पानी नहीं था हमारे तो पानी पूरा खत्म हो गया। तो गांव इस खुश है पूरी तरीके से? अभी फुल हमारे गाँव में खुशी है, बढ़िया है, हमारे पानी हो जाएगा, 5-7 साल से हमारे कमी नहीं आएगी पानी की। और नदी के अंदर जो लोग जा रहे हैं, जैसे कांवलिया में भी एक आध युवक की मौत हो गई थी, तो उनके बारे में क्या कहोगे कि नदी नालों से दूर रहना चाहिए, कभी भी पानी का बहाव तेज हो सकता है, आगे बारिश हो जाती है, हमें पता नहीं रहता है बारिश। कल भी ये नदी तेज हुई थी एकदम? हाँ कल हमारे ये गाँव के पास में पालिया उसका वो डैम फूट गया था, तो हमारे इधर नदी बहुत तेज हो गई थी आधे घंटे के अंदर अंदर। हाँ आधे घंटे के अंदर आदमी आराम से 5-7 आदमी नदी पार नहीं कर सके, इतनी तेज हो गई नदी। अगर उस समय कोई नदी में हो तो बह सकता था, आराम से बह सकता है, बाइक तो पार होती है। एक नांदना वाले बस बस नांदना के आ रहे थे बाइक लेके फैक्ट्री जाने वाले, वो बह गए थे, आदमी मिल के निकाले थे। हो गया है कि आने वाले समय में कोई देख ही नहीं, कोई यहाँ से पार कर भी नहीं पाएगा, नहीं आ पाएंगे नहीं जा पाएंगे नदी में। तो गाँव का मुख्य पुलिया है, उसके नीचे पाइप नहीं है? नहीं पाइप है लेकिन बिल्कुल कम है, 1-2-3 पाइप डालने में क्या है। स्कूल के पास दो पुलिया है। अपने जो स्कूल के आगे वाले झाड़ के टेप पर है पाइप डालना चाहिए, कम से कम 10-15 पाइप, मिनिमम 15 पाइप तो होना ही चाहिए, क्योंकि आने जाने वाले की कोई मुसीबत नहीं होए। इस रफ्तार में भी वहाँ पर रास्ता रुका हुआ, अभी रुका हुआ है, और अगर पाइप नीचे हो तो रास्ता चालू रहता है।
तो ये कमी है। इसके अलावा बात करें और क्या क्या ग्राम पंचायत टुकड़ा की कमी है सरपंच लोगों की, जो इनमें दो दो तीन तीन पुलिया डाल देते हैं, लापरवाही करते हैं। ये भी एक दस पुलिया बढ़ा के डालते हैं तो अभी अपने राज के अंदर पुलिया डाला हुआ है, पर होकर कैसे जा रहे हैं, जनता को कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ बिल्कुल तकलीफ पड़ती है क्योंकि नाना रेलड़ा के लोग आते हैं इधर फैक्ट्री आने के लिए, बीच में फंस जाते हैं। कई लोग बह गए, बह हुए के 10 आदमी निकाले हैं हमने, लेकिन ऐसे ऐसे काम। तो भागीरथ सिंह जी से जानना चाहेंगे कि आप मतलब नदी से कितना सावधान है, यहाँ पर कोई घटना हुई क्या? घटना देखो, हमारा गांव भले कैसा भी हो लेकिन हमारे इधर कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है। कई हमारे गांव के लोगों ने, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, नदी नालों से दूर रहे, नदी नालों से बहुत दूर रहे। बुजुर्गों से सुना था हम लोगों ने कि भाई नदी बहुत भयानक आती है, तो हमारे लोगों ने बहुत ही सावधानी दिखाई। पानी का विश्वास नहीं करना, पानी का विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। कभी भी तेज हो सकती है बारिश, आगे हो गई तो नदी तेज हो जाती है, इसके कारण नदी नालों से दूर रहना चाहिए। तो भागीरथ राठौड़ जी, आपसे पूछना चाहेंगे कि जो बारिश है इस बार बहुत ज्यादा हुई है, तो उससे फसलों को क्या क्या नुकसान हुआ है या फायदा हुआ है वो बताइए। फसलों को तो देखो काफी नुकसान ही हुआ है हमारे गाँव में, तो बारिश बहुत ज्यादा हो गई, इसकी वजह से तिल्ली की फसल खराब हो गई, हमारे बाजरे की थोड़ी बहुत कोई हो जाएगा हमारे, वरना ज्यादा फसलें खराब हो चुकी है हमारी। मूंग की फसल भी थोड़ी बहुत होगी, जिन खेतों में पानी भर रखा है वो तो बिल्कुल नष्ट हो गई है हमारे इधर, ज्यादा पानी हो गया। लेकिन आने वाले समय में सर्दियों की फसल इससे भी बढ़िया होगी, उससे में मुनाफा ज्यादा होता है। हाँ, बस वो सर्दियों की फसल की वजह से हमने ठहराव रख रखा है कि भाई कोई नहीं, ये फसल खराब हुई तो कोई दिक्कत नहीं, अगली फसल बढ़िया होगी हमारे। मुआवजे की मांग रखी है आपने? मुआवजे की देखो अभी तक तो नहीं रखी है। तो कितने सालों बाद नदी आई है आपके गांव? 5-6 साल से। और इतनी भयंकर नदी है वो कितने सालों बाद आई है, क्योंकि ग्रामीण बता रहे कि बहुत साल हो गए हैं इतनी भयंकर। हाँ वो तो टाइम बहुत काफी हो गए है। आपने देखी? नहीं नहीं देखी मैंने। इतनी भयंकर आई है? हाँ। और कैसा लगा आपको नदी देख? बहुत अच्छा लगा। कुओं का जल स्तर बढ़ेगा इससे? हाँ पानी हो जाएगा। हाँ पानी हो जाएगा और खेती भी अच्छी होगी, सर्दियों की खेती भी अच्छी होगी। और क्या कहना चाहते हैं? और तो क्या कहना चाहते हैं, फसल भी बहुत खराब हो गई। पानी से कितना सावधान हो आप? पानी से तो बहुत सावधान है। बहती नदी, मैंने सुना कि आपके गांव में भी एक बाइक बही थी लेकिन उससे ग्रामीणों ने बचा लिया था। हाँ बह गई थी वहाँ पे, टपट में बह गई थी और पकड़ के बाहर निकाल दिया था, वहाँ भी बह गई थी। तो ये थे मेरे साथ टुकड़ा गांव के ग्रामीण, और इस समय मैं मौजूद हूँ लीलीड़ी नदी के पास। लोगों से हमने पूछा है कितना खेती में नुकसान हुआ है, नदी किस प्रकार से रही है, सारी जानकारी टुकड़ा के नागरिकों ने बहुत अच्छी तरीके से दी है। अगर आपको भी ऐसे ही वीडियो अपलोड करवाना है तो आप हमारे कॉन्टेक्ट नंबर दिए हुए उस पर कॉल करके आप अपने गांव में बुला सकते हो। मैं शक्ति सिंह राजपुरोहित, आपनो जेतारण यूट्यूब चैनल से, धन्यवाद।